राकेश त्रिपाठी जी, आपका मैं रुक करूंगी, क्योंकि जो बरेली की घटना हुई है उसमें तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जो दावा समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है कि ईवीएम में तमाम तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उसको लेकर प्रशासन लाख सफाई दे, लेकिन आप क्या कहेंगे, वहां पर सब कुछ दुरुस्त है या फिर उनके आरोपों में दम है? देखिए नेहा जी, बहुत आश्चर्य हो रहा है देख करके। वो लोग जो कल तक मतपेटियां लूटा करते थे, बूथ लूटा करते थे, आज वो बूथों की सुरक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। वास्तविकता में इसको पेशबंदी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। ये पहले से ही जानते हैं कि परिणाम क्या आने वाला है, तो हार की अपने कारण कैसे गिनाए जा सकते हैं, ये पहले से तय कर रहे हैं। देखिए, जब ओपिनियन पोल जारी हुआ तो इन्होंने कहा ओपिनियन पोल पर हमारा भरोसा नहीं है, इन्होंने कहा मीडिया पर हमारा भरोसा नहीं है, इन्होंने कहा प्रशासनिक मशीनरी पर हमारा भरोसा नहीं है, एग्जिट पोल आया कहा एग्जिट पोल पर हमारा भरोसा नहीं है, अब कह रहे हैं निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। विश्वास मानिए, कल ये कहेंगे ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है। ये खिसियाया विपक्ष जो है वो ईवीएम नोच रहा है, वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत जो है उसको चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये कितना भी प्रयास करे, कितनी भी हताशा दिखाए, और मैं तो बहुत आश्चर्य में हूं कि कल पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, वो ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक लाठियों में तेल पिला करके रखने की बात कर रहे हैं, ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हम निर्वाचन आयोग से अपेक्षा करते हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को पर्याप्त मात्रा में लगाया जाए, किसी भी स्थिति में इनकी अराजकता को, गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है, ये अपनी हार की हताशा के कारण अब इस प्रकार की अनर्गल की अर्शद आवे जी, हार की हताशा है ये आरोप बीजेपी का है, इसीलिए आप लोग ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, कोई इसके लिए साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत आप पर चरितार्थ हो रही है। देखिए, आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि अगर सबसे ज्यादा अपराधी सांसद, विधायक और पदाधिकारी है तो भाजपा में, और आप इतिहास उठाकर देखिए अगर सबसे ज्यादा मत पद टूटे हैं उस ऊपर कब्जा किया है तो भाजपा के अपराधियों ने कब्जा किया है, भाजपा के जो अपराधी कार्यकर्ता लोगों ने कब्जा किया है। अगर मतपेटियों को लूटा है तो सबसे ज्यादा वहां पर लूटा है जहां भाजपा के कार्यकर्ता भी तादाद में रहते हैं। और अगर ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, एग्जिट पोल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो भाजपा के नेताओं को क्या दिक्कत है? क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी से बड़ा भाजपा में कोई नेता है? उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए और लगातार सवाल उठाए कि ईवीएम से चुनाव में, मतगणना में पूरी तरह छांटने की संभावना है, या तो भाजपा के नेता कहें नहीं, वो ये कह रहे हैं क्योंकि आप हार रहे हैं, ये हार की हताशा है इसलिए आरोप लगा रहे हैं, अगर जीत रहे होते तो ऐसे आरोप नहीं लगते। सुन लीजिए नेहा जी, सुन लीजिए दूसरी बात, भाजपा के राज्यसभा सांसद जो भाजपा के प्रवक्ता भी है जीवी नरसिम्हा राव जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी जो बड़े काफी पैसों में मिल रही है ईवीएम को लेकर, एक किताब किसी ने लिखी, सिर्फ उन्होंने लिखी ईवीएम से मतगणना में छांटने की जा सकती है, ईवीएम से मतगणना के चुनाव परिणाम को बदला जा सकता है। तो हताश, निराश और मायूस भाजपा के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इलेक्शन कमीशन से निष्पक्ष मतगणना की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि पूरे जहां भी मतगणना स्थल है, पूरे जिलों में हर जगह वहां पर मोबाइल जैमर लगाए जाएं। अगर ऐसी मांग की है तो क्या मांग करना अपराध है? आप देखिए, राकेश जी, चाहे बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे गाजीपुर हो, ईवीएम क्यों मिल जाती है? कभी किसी एसडीएम गाड़ी में मिल जाती है, कभी किसी और कैलेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी मिल जाती है, कभी भाजपा नेता के आसपास मिल जाती है। तो ये भाजपा के लोग क्योंकि पूरी तरह चुनाव हार चुके हैं, जनता ने इनको चुनाव हरा दिया है, क्योंकि ये किसानों को कुचलने वाले लोग हैं।